जानो रे जानो जानो थे सगला भगतो जानो रे जानो रे जानो जानो थे सगला भगतो जानो रे की उरे मनावा शिव रात की उरे मनावा शिव रात। अब मैं बताना चाहूंगा कि राजा दक्ष प्रजापति की सुकन्या सुपुत्री सती जी के साथ में शिव जी का विवाह हुआ था और ये पति पत्नी के रूप में जब जीवन जी रहे थे उस समय की बात है। महादेव ने मां सती ये नभ मार्ग में विचरे रे दर्शन रे की धारे प्रभु राम राम ए दर्शन रे की धारे प्रभु राम 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 अने लक्ष्मण भैया वन वन ए तो भटके रे वनवासी वेश में सीता खोजरिया वनवासी वेश में सीता खोजरिया राम पुकारे सीते सीते वन वियोगी बिलख रहा पगल्या में छाला रे इन रे पड़ गया पगल्या में छाला रे इन रे पड़ गया जानो रे जानो जानो थे सगला भगतो जानो रे की उरे मनावा शिव रात की उरे मनावा शिव रात। आकाश मार्ग सु शिव प्रभु श्री राम दर्शन किनारे आकाश मार्ग सु शिव प्रभु श्री राम दर्शन किनारे हाथ जोड़ प्रभु लीला ने प्रणाम कियो सती पूछियो ओ कोई राज भगवन आजे केओ ने मिनखा ने न मान की कण कर रिया थे मिनखा ने न मान की कण कर रिया शिवजी बोलिया विष्णु रूप में शिवजी बोलिया विष्णु जी है राम रूप धर आया रे भगवन री लीला रो कोनी पार रे भगवन री लीला रो कोनी पार रे सती जी मन में विचार्यो भगवन ए जो होवे तो सती जी मन में विचार्यो भगवन ए जो होवे तो सीतारी खोजा में क्यों ए भटक रिया सीतारी खोजा में ए क्यों भटक रिया जानो रे जानो जानो थे सगला भगतो जानो रे की उरे मनावा शिव रात की उरे मनावा शिव रात। अब मानवीय प्रवृत्ति है कि एक बात कोई भी कह देता है तो जल्दी से मन में बैठती नहीं है। सती जी के मन में भी वो भाव पैदा हो गया कि अगर ये भगवान हैं और वास्तव में विष्णु स्वरूप में यहाँ पधारे हुए हैं तो सीता जी की खोज के अंदर वन वन क्यों भटक रहे हैं, ये तो अंतर्यामी हैं, इनको सब कुछ पता होना चाहिए। और मन में जब ये विचार आया तो सती जी ने प्रभु राम की परीक्षा लेने का मन में ठान लिया।
माता सीतारो रूप धरियो सती जी परीक्षा लेवण ने राम रे सन्मुख ए तो प्रकट हुआ राम रे सम्मुख ए तो प्रकट हुआ सीता रूप में देख सती ने राम मंद मंद मुस्कराय रिया सीता रूप ने देख सती ने राम मंद मंद मुस्कराय रिया हाथ जोड़ माता ने ओ प्रणाम कियो हाथ जोड़ माता ने ओ प्रणाम कियो अंतर्यामी शिव प्रभुआ सारी बाता जान गया अंतर्यामी शिव प्रभुआ सारी बाता जान गया मन ही मन सती रो इन त्याग करो मन ही मन सती रो इन त्याग करो सती जी भी शिव प्रभु रे मन री व्यथा जान गया शिव जी री इच्छा रो मान राख लियो शिव जी री इच्छा रो मान राख लियो जानो रे जानो जानो थे सगला भगतो जानो रे क्यों रे मनावा शिव रात आ। तो जैसे ही शिव जी ने अपने ध्यान मग्न होकर के जब देखा तो उन्हें पता लग गया कि सती ने मां सीता का रूप धारण कर लिया है। अब मन ही मन उन्होंने तय कर लिया कि मां के रूप में इन्होंने जब स्वरूप धारण कर लिया है तो इस जन्म के अंदर पत्नी के रूप में अब इनको स्वीकार करना संभव नहीं है। ये सोच करके मन ही मन उनका त्याग कर लिया। इस बात को देवी सती भी जान गई और उसके बाद में अब वो कोई न कोई किसी भी प्रकार से शिव जी से दूर होने का रास्ता ढूंढ रही थी। इसी बीच में सती जी के पिताजी राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आह्वान किया और उसमें भगवान शिव को न्योता नहीं भेजा। सती ने शिव जी को यज्ञ में जाने के लिए निवेदन किया, शिव जी ने मना किया, उन्होंने खुद जाने का आग्रह किया। शिव जी ने फिर भी कहा कि बिना बुलाए किसी के वहां नहीं जाना चाहिए, पर उनके ज्यादा आग्रह करने पर शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी और यज्ञ गणों के साथ में सती जी जो हैं अपने पिता राजा प्रजापति के वहां पर यज्ञ के अंदर पहुंचती है। इन बीच दक्ष प्रजापति यज्ञ रो आह्वान कियो बिन बुलाया शिव जी रे की कर जावणो बिन बुलाया शिव जी रे की कर जावणो पियर मोहा में सती जी जावण री जद जीद करी शिव जी गणो रे साथे मेलिया ना आदर ना मान पायो उल्हाना घना सुनिया ओ ना आदर ना मान पायो मेणा घना सुनिया ओ बिन भुलाया मेहमान जो यज्ञशाला में शिव जीरो आसन कोनी देखियो यज्ञशाला में शिव जीरो आसन कोनी देखियो सती जी बैठे भारी क्रोध कीनो सती जी बैठे घनो क्रोध कीनो
कुंड में सती जी अग्नि स्नान कर दियो, सगला रे देवी देवता जाता रिया, सगला रे देवी देवता जाता रिया, जानो रे जानो जानो थे सगला भक्तो जानो रे, कियूं रे मनावा शिव रात आ। अब जैसे ही सती जी ने अग्नि स्नान किया, वहां पर कोहराम मच गया, सब देवी देवता वहां से प्रस्थान कर गए, और उसके बाद अगले जन्म के रूप में देवी सती ने मां पार्वती के रूप में हिम नरेश और रानी मैना की कोख से उनके घर पे जन्म लिया। अगली बात है, हिम नरेश ने मां मैना रे कोख सु जन्मिया, पार्वती रूप में इनने जानिया, पार्वती रूप में इनने जानिया, राम प्रभु अब विनती करी शिव चरणों में जावे ने, राम प्रभु अब विनती करी शिव चरणों में जावे ने, बोला रे शिव जी जद मानिया, बोला रे शिव जी जद मानिया, आयो रे आयो फाल्गुन स्वदी चौदर स्रोदारो मोटो, आयो रे आयो फाल्गुन वदी चौदसरो दारो मोटो, शिव ने पार्वता ब्याह मांडियो, शिव ने पार्वता ब्याह मांडियो, देव लोक सु देवी देवता दर्शन सारू उमट्या रे, धरती रे मानवीय उजगो राखियो, धरती रे मानवीय उजगो राखियो, ढोल नगाड़ा बाजे तो बाजे नौबत बाजाओ, शिव रे रात्रि रो पर्व आवियो, ओ शिव रे रात्रि रो पर्व आवियो। ये कहानी महाशिवरात्रि मनाने के विषय में प्रचलित है। इसी महाशिवरात्रि को मनाने के विषय में एक और कथा जो दक्षिण भारत के अंदर प्रचलित है, मैं अपने अगले वीडियो में उस कथा के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव। भगवान भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।